नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नई उम्मीद और मैं हूं निर्भयकर। हिंदू धर्म में फूलों का विशेष महत्व है। धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, आरती आदि कार्य बिना फूल के अधूरा ही माना जाता है। देवी देवता का मस्तक सदैव फूलों से सुशोभित रहना चाहिए। इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस देवी देवता को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए जिससे वो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सबों से आग्रह है कि जिन्होंने अब तक नई उम्मीद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आते हैं मुद्दे पर। वैसे तो किसी भी भगवान को कोई भी फूल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ फूल देवताओं को विशेष प्रिय होते हैं। इन फूलों का वर्णन विभिन्न धर्म ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि देवताओं को उनकी पसंद के फूल चढ़ाने से वे अति प्रसन्न होते हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस देवी देवता को कौन सा फूल चढ़ाएं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री गणेश के बारे में। ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री गणेश को तुलसी दल को छोड़कर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। पद्म पुराण आचार रत्न में भी लिखा है कि ना तुलस्या गणाधिपम, अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी न करें। गणेश जी को दुर्बा चढ़ाने की परंपरा है। गणेश जी को दुर्बा बहुत ही प्रिय है। दुर्बा के ऊपरी हिस्से पर 3 या 5 पत्तियां हो तो बहुत ही उत्तम है। भगवान शिव की बात की जाए, भगवान शंकर को धतूरे के फूल, हर श्रृंगार व नाग केसर के सफेद पुष्प, सूखे कमल गट्टे, कनेर, कुसुम, आकुश आदि के फूल चढ़ाने के विधान है। भगवान शिव को केवड़े का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। जहाँ तक भगवान विष्णु की बात करें तो इन्हें कमल, मौलिश्री, जूही, कदम्ब, केवरा, चमेली, अशोक, मालती, वासंती, चंपा, वैजयंती के पुष्प विशेष प्रिय हैं। विष्णु भगवान तुलसी दल चढ़ाने से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में भगवान नारायण केतकी के फूलों से पूजा करने से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। अब बात करें सूर्य नारायण की तो इनकी उपासना कूटज के पुष्पों से की जाती है। इसके अलावा कनेर, कमल, चंपा, पलाश, आत, अशोक आदि के पुष्प भी इन्हें प्रिय हैं। जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण की बात है तो अपने प्रिय पुष्पों का उल्लेख महाभारत में युधिष्ठिर से करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कुमुद, गरवरी, चनक, मालती, पलाश व वनमाला के फूल प्रिय हैं। जब गौरी मैया की बात आती है तो शंकर भगवान को चढ़ने वाले पुष्प माँ भगवती को भी प्रिय हैं। इसके अलावा बेला, सफेद कमल, पलाश, चंपा के फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी जी का सबसे अधिक प्रिय पुष्प कमल है। उन्हें पीला फूल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। इन्हें लाल गुलाब का फूल भी काफी पसंद है। अब बात करें हनुमान जी की तो इनको लाल पुष्प बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए इन पर लाल गुलाब, लाल गेंदा आदि के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। अब बात करें माँ काली की तो माँ काली को अरहुल का फूल सबसे ज्यादा पसंद है। मान्यता है कि इनको 108 लाल अरहुल के फूल अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। बात करें माँ दुर्गा की तो इनको लाल गुलाब या लाल अरहुल के पुष्प चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफेद या पीले रंग का फूल चढ़ाया जाता है। सफेद गुलाब, सफेद कनेर या फिर पीले गेंद के फूल से भी माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती है। अब बात करें शनिदेव की तो शनिदेव को नीले लाजवंती के फूल चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी नीले या गहरे रंग के फूल चढ़ाने से शनिदेव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कमल के फूल को लेकर मान्यता यह है कि यह फूल 10 से 15 दिन तक भी बासी नहीं होता। चंपा की कली के अलावा किसी भी पुष्प की कली देवताओं को अर्पित नहीं की जानी चाहिए।
आम तौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में लेकर देवी देवताओं को अर्पित करें। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता, इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। शास्त्रों की माने तो शिव जी को प्रिय बेल पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इन्हें जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर अपने विचार रखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। नमस्कार।